Dear students, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai Sir. Student, this is class 11th NCERT Chemistry, chapter 1st, some basic concept of chemistry, in which the topic is importance of chemistry. Students, as you know, chemistry play an important role in our daily life, in which some of them are shown here. Here, science divided into three main part: physics, chemistry, biology. Okay, and my topic related with chemistry. Okay, that is importance of chemistry. The main importance of chemistry are chemistry in medicine, chemistry in industry, chemistry in agriculture, chemistry in comfort, convenience and pleasure, chemistry and energy resources. Okay. Here, first topic, chemistry in medicine. As you know, medicine is very important. आप जानते हैं, दवाएं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. जैसे कुछ दवाओं के नाम, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, used in cancer. Okay, azidothymidine, AZT, used for AIDS. Analgesic, ये दर्द नाशक होता है, एनाल्जेसिक का यूज करते हैं. और एनेस्थेटिक, ये बेहोश करने के लिए दवाएं यूज की जाती हैं. और एंटीसेप्टिक, कहीं कोई घाव हो जाए, कहीं कट हो जाए, तो एंटीसेप्टिक वहां पर लगाया जाता है. ऐसे डिसइंफेक्टेंट, कोई भी कीटाणु मारने में, इन्फेक्शन हटाने में, या जर्मिसाइड्स, जर्म हटाने में ये काम करता है. और एंटीबायोटिक, आप जानते हैं हमारे शरीर में बैक्टीरिया अक्सर जो है इंटर कर जाती है, और बहुत सारी बैक्टीरिया पहले से भी होती हैं, और सारी चीज़ों में बैक्टीरिया होती हैं जिनको टच करने से हमारे शरीर में जाती हैं. अगर हमारा शरीर उस बैक्टीरिया से प्रभावित होता है तो इसकी दवाएँ हैं उपलब्ध, तो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं. बहुत सारे टॉनिक आपने पिया होगा स्टूडेंट्स, तो वो टॉनिक भी हमारे केमिस्ट्री की ही देन है. ओके, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री की बात की जाए कि इंडस्ट्री में कैसे केमिस्ट्री हमारे लिए फ़ायदा करती है, तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में आप जानते हैं नायलॉन बहुत मजबूत होता है. नायलॉन की रस्सियाँ, नायलॉन के दूसरे सामान बनाए जाते हैं. आप जानते हैं प्लास्टिक आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है. आप एक उनमें से एग्जाम्पल बैकेलाइट जानते हैं, जो कुकर की हैंडल लगी होती है, बैकेलाइट से बना होता है. पॉलीथीन हर घर में यूज होता है, जो अब बैन हो रहा है, लेकिन पॉलीथीन कितना ज़रूरी सामान, आप जानते हैं पॉलीथीन के बारे में. ओके, और पेंट्स, घरों में पेंट्स देखिए, बिना पेंट्स के घर और पेंट वाला घर, दोनों में अंतर देखिए. पेंट्स केमिस्ट्री की देन है. वारनिशेस, ये वारनिशेस लगाए जाते हैं लकड़ियों पर, डाइज, रंग बनाने में, ये सब केमिस्ट्री की देन है. सीमेंट, बिना सीमेंट के सोचिए कैसे जिंदगी संभव होगी, कैसे जो है घर बनेंगे, कैसे सड़कें बनेंगी. ग्लास, सोच लीजिए कितना इम्पॉर्टेंट है ग्लास. और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, आयरन. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसका मतलब ये होता है एक्सट्रैक्ट करना, निकालना. ये सब धरती में पाए जाते हैं, वहाँ से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, गोल्ड का, आयरन का. सोचिए आयरन अगर ना हो तो कैसे संभव होगी जिंदगी. सारी चीज़ें देखिए आयरन से बनी होती हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सब इनके सारे सामान बनाए जाते हैं. ओके, ऐसे आप देखिए केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, अगर खेती ना हो तो कैसे जीवन संभव होगा, तो खेती में भी हमारी केमिस्ट्री मदद करती है. किस तरह से, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स देती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब केमिकल्स हैं, खेतों में डाले जाते हैं जिससे फसल की पैदावार जो है बढ़ जाती है, उस पर विशेष असर पड़ता है. ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, जैसे जो फसल पैदा होती है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं, जिसको DDT या गैमेक्सिन के माध्यम से नष्ट किया जाता है. वैसे DDT तो अब बैन हो चुका है, खतरनाक केमिकल. तो ऐसे ही कोई अगर तैयार हुआ है, हमारे खेतों से जो मटेरियल प्राप्त हुआ उसको प्रिजर्व रखना है अगर, तो प्रिजर्वेटिव जो है हमारे घरों में यूज होते हैं. कोई सामान अगर कई दिनों तक चलाना है तो बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे चलेगा, तो प्रिजर्वेटिव में हमारी केमिस्ट्री मदद करती है. वो सोडियम बेंजोएट है और सैलिसिलिक एसिड है, ये प्रिजर्वेटिव्स हो गए. ऐसे केमिस्ट्री इन कम्फर्ट, कन्वीनियंस और प्लीजर में बात करें
तो हमारे लिए कैसे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स में पेपर हो गया, ये भी केमिस्ट्री की देन है, सोप साबुन केमिस्ट्री की देन है, कॉस्मेटिक्स आप जानते हैं कितने सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं वो भी केमिस्ट्री की देन है, एयर कंडीशन है एसी घरों में लगा होता है वो भी केमिकल से ही चलता है, उसमें लिक्विड अमोनिया या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड बहती रहती है जिससे वो काम करता है। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री जो है, अब तो चिप का ज़माना है, तो आप उतना नहीं ध्यान दे रहे होंगे आप कैमरे में जो है, लेकिन पहले रील चलती थी, जो बच्चे जान रहे होंगे तो रील चलती थी, वो सेलुलॉइड से बनी होती थी, उसके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते हैं। सेलुलॉइड ये फर्स्ट प्लास्टिक है, सबसे पहले जो है सेलुलॉइड प्लास्टिक के बारे में जानकारी हुई थी, तो ये उस पर जो है केमिकल लगा करके रील तैयार की जाती थी, वो फिल्म इंडस्ट्री में जो है केमिस्ट्री ने हमारे मदद किया। ओके, तो ऐसे ही अगली बात करें तो केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये हमारे एनर्जी रिसोर्स में केमिस्ट्री कैसे मदद करती है, जैसे पेट्रोलियम केमिस्ट्री की देन है, कोल केमिस्ट्री की देन है, ओके, वुड जला करके एनर्जी बनाना, और न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल आप जानते हैं न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी भी आप यूज करते हैं, सोर्सेज फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड, भविष्य में अगर ये सब खत्म हो रहा है तो भविष्य में कहाँ से आएगा, तो हमारी केमिस्ट्री उसके लिए तैयार है, क्या करके, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके, मींस वाटर को तोड़ करके उससे हाइड्रोजन अलग करें और ऑक्सीजन अलग करें, और इस हाइड्रोजन से जो है गाड़ियाँ चलाई जाएँ। ओके, तो इस तरह से ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिखा रही है। ओके, थैंक यू।